नमस्कार दोस्तों, स्टार एजुकेशन आप सभी के लिए सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस के अंदर एसआई, एएसआई और हेड कांस्टेबल के नए पाठ्यक्रम के अनुसार 15 मॉडल पेपर टेस्ट लेके आया है। दोस्तों यहाँ पूरी सिलेबस के अनुसार जो मॉडल पेपर टेस्ट है आप देख सकते हैं। अधिक जानकारी कि आपको व्हाट्सएप नंबर इसे मैसेज कर दीजिए, नीचे आपको लिंक मिलेगा। नीचे आपको क्या मिलेगा, लिंक मिल जाएगा, वहाँ से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। और दोस्तों एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से एप्लीकेशन को क्या कर लेना, डाउनलोड कर लेना। अगर एप्लीकेशन आपको नहीं मिलती है तो आप जो हमारे व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों हमारी टीम पूरा सपोर्ट आपकी करेगी। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्वेश्चंस पेपर टेस्ट के अंदर हम आप सभी के लिए जो 30 इम्पोर्टेंट जीके के प्रश्न लेके आए हैं, जो आपके एसआई, एएसआई और हेड कांस्टेबल के लिए जो आपका फर्स्ट पेपर है, उस फर्स्ट पेपर के लिए हम लेके आए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? भगवान बुद्ध के बारे में पूछा गया, तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई दोस्तों? तो ये ज्ञान की प्राप्ति बोध गया के अंदर हुई। कहाँ हुई? बोध गया के अंदर हुई, ये आपको ध्यान में रखना, और बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? चार ऑप्शन है, इन चारों में से आपको बताना है। राइट आंसर, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यस, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तीन नंबर प्रश्न का राइट आंसर, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुख लिपि है। क्या है? गुरुमुख लिपि है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, और बहुत बार सवाल पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, जो भारत की मुख्य भूमि है उसका दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो राइट आंसर इज कन्याकुमारी। क्या है? कन्याकुमारी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? राइट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। और सबसे अंत में आपसे पूछे कि सबसे अंत में कहाँ निकलता, अंत में, तो दोस्तों ये गुजरात, कहाँ निकलता है? गुजरात के अंदर निकलता है। अगला देखिए, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है? राइट आंसर इज मधुमेह रोग के लिए। किसके लिए? मधुमेह रोग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? राइट आंसर इज असम, या इसका दूसरा नाम असम है। क्या? या तो इसे असम या फिर इसे असम कहा जाता है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आठ नंबर प्रश्न का राइट आंसर विटामिन सी। क्या है? विटामिन सी आपका राइट आंसर है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? नौ नंबर प्रश्न का राइट आंसर विलियम बेंटिंक। कौन है? विलियम बेंटिंक आपका राइट आंसर है। कागज का आविष्कार किसने किया? दोस्तों सवाल पूछा गया कागज का आविष्कार, दस नंबर प्रश्न, और दस नंबर प्रश्न का चीन के द्वारा किया गया। अगला देखेंगे, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या है? राइट आंसर इज सिद्धार्थ। क्या है? सिद्धार्थ आपका राइट आंसर है। भारत में सशस्त्र बल का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? यानी दोस्तों तीनों सेना, सबसे पहले देखिए नौसेना, जल सेना और थल सेना, सॉरी देखिए नौ, ये दोनों थल सेना और वायु सेना। देखिए या तो जल सेना का है, नौसेना का है, एक ही है, थल सेना और वायुसेना, इसका होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता क्या है? देखिए, विटामिन की कमी से, देखिए रतौंधी पूछा गया है किस विटामिन की कमी से होता है,
तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी को पता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर भगत सिंह ने दिया है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? राइट आंसर तमिलनाडु। किसका है? तमिलनाडु है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन से गिरद्रा और भांगड़ा, गिरद्रा एवं भांगड़ा किस राज्य के नृत्य है? ये सब दोनों पंजाब राज्य के, किसके? पंजाब राज्य के लोक नृत्य है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? टेलीविजन का आविष्कार जॉन लॉन्गी बेट्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है देखिए, भारत की पहली महिला शासिका कौन बनी? चार ऑप्शन देखिए, झांसी की रानी, कर्मावती, रजिया सुल्तान। तो राइट आंसर रजिया सुल्तान बनी। मछली, देखिए मछली के बारे में पूछा गया, अच्छा प्रश्न है, मछली किसकी सहायता से श्वास लेती है, श्वसन क्रिया करती है? यस राइट आंसर गल्फ से, क्या है? गल्फ डोसी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ? जलियांवाला हत्याकांड बाग 1919 के अंदर अमृतसर के अंदर हुआ, 13 अप्रैल को हुआ, क्या हुआ? 13 अप्रैल को हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1939 में कांग्रेस छोड़ने पर कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? राइट नंबर इस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अगला देखेंगे, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अच्छा प्रश्न पूछा गया है, देखिए प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, सैंडर्स की हत्या किसने की? एक सैंडर्स जो अमेरिका का था, इंग्लैंड का था, यानी जब अंग्रेजों का शासक था, ये अमेरिका से आया और इंग्लैंड के नेतृत्व करता था यहाँ पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर यस भगत सिंह ने की। किसने दी? भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या कर दी गई थी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1857 की क्रांति के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? सबसे पहले बलिदान किसने दिया था? देखिए 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर मंगल पांडे। किसने दिया? मंगल पांडे ने सर्वप्रथम बलिदान दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी? दोस्तों भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी? ये उत्तर प्रदेश राज्य की बनी। राइट आंसर सुरेचित्रला कल्पनानी या सरोजिनी नायडू। राइट आंसर सरोजिनी नायडू। और प्रथम सीएम कौन बनी दोस्तों? सुरेचित्रला कल्पनानी बनी थी। देखिए माउंट एवरेस्ट पर दो बार चढ़ने वाली पहली महिला, 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर संतोष यादव। ब्राह्मण समाज की स्थापना, देखिए ब्राह्मण समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राइट आंसर राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्राह्मण समाज की स्थापना की। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, स्वामी विवेकानंद, दोस्तों एक होता है स्वामी विवेकानंद, एक है स्वामी दयानंद, दोनों एक ही है। देखिए दोनों के नाम अलग अलग है, दोनों ने भारत की आजादी के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब पूछा किया गया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? मूल शंकर, क्या नाम है? शंकर नाम है इनका, है शंकर, मूल शंकर नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेदों की ओर लोटो किसने कहा था? 29 वेदों की ओर लोटो किसने कहा था? राइट आंसर इज स्वामी दयानंद सरस्वती। और आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों,
रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे दोस्तों। आप अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और दोस्तों विशेष सूचना, अगर आप सभी जो हमारी जो बुक है उस बुक को चाहते हैं या इस ऑनलाइन पेपर सेट को चाहते हैं तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अंदर डेमो भी दे रखे हैं, डेमो भी आप देख लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, हम पूरा सपोर्ट करेंगे। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने, व्हाट्सएप भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव देते रहें। धन्यवाद।